नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भीकन गांव, खरगोन जिले के भीकन गांव में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। पिछले दिनों ही हेड कांस्टेबल द्वारा अवैध हथियार की तस्करी का मामला क्षेत्र में गरमाया हुआ है। वहीं अब पुलिस आरक्षक द्वारा पारिवारिक विवाद पर न्याय की गुहार लगाने पर बर्बरता से पीटने का मामला सामने आया है। नगर की मालती पति संजू ने बताया कि उनके घर पर सास बहू और पति को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस के 100 डायल पर फोन लगाकर पुलिस बुलाई गई। 100 डायल पर पदस्थ आरक्षक राजेश जायसवाल ने आते ही अपशब्द कहने लगा और कहा कि बार बार परेशान ही करते हो, तुम्हारा यही काम है। जाति सूचक अपशब्दों और अपमान का विरोध करने पर आरक्षक राजेश ने महिला को पाइप से जमकर पीटना शुरू कर दिया, साथ ही ठीक करने की धमकी दे डाली। आरक्षक द्वारा पीड़िता के पति को भी थाने ले गया तथा कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। मामला गंभीर होने पर समाजजनों के संज्ञान में आते ही समाजजनों ने उक्त घटना का विरोध कर रविवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा, आरक्षक पर कार्यवाही की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। आवेदिका ने न्याय की गुहार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी लगाई है। समाचार लिखे जाने तक विभाग के कोई भी जिम्मेदार सामने आने से बचते नजर आए, मगर विभाग के संज्ञान में आते ही घटना के जिम्मेदार आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया गया है। जो घटना हुई है मंगलवार के दिन, पुलिस वालों ने आपको बिना कारण से मारा है, क्या कारण था? कारण ये था कि मतलब मेरी सास और मेरे मतलब बीच हमारे यहाँ विवाद हो गया था, तो मतलब थोड़ी अनसुनी हो गई थी घर के मामले में, तो मैं मतलब थोड़ी परेशान हो गई थी और थोड़े गुस्से में आ गई। मैं मदद मतलब तो मैंने मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल कर दिया था कि वो मेरी मदद करेंगे, मतलब इतना परेशान कर रहे, तो मैंने उनको कॉल किया, तो 100 नंबर पर कॉल किया तो 15 मिनट बाद पुलिस वाले आए भी घर पर वो घर पर आए और डायरेक्टली उनने गाली गलौज चालू कर दी। उन्होंने डायरेक्ट ऐसा बोला कि किस मादरचोद ने मतलब 100 नंबर पर डायल किया है, कौन है वो? तो मैंने बोला कि सर मैंने किया था, मेरी सास और मेरे बीच में विवाद हो गया था, इसलिए मैंने कॉल किया था, तो आप मेरा समाधान करें, इसी के लिए मैंने कॉल किया। तो सर ने डायरेक्ट ये पूछा कौन सी जाति के हो और क्या मतलब क्या काम करते हो, कौन है तुम्हारा पति? तो मैंने बोला कि मैं पढ़ती पढ़ाती हूँ, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने डायरेक्टली ये बोला कि सर मेरे साथ जो समस्या है उसका समाधान करो, तो उनने मतलब गाली गलौज चालू कर दी और डायरेक्टली ऐसा बोल दिया कि मतलब माँ बहन की गालियाँ देने लगी। तो मैंने सर को बोला कि सर आप मुझे माँ बहन की गालियाँ मत दीजिए, मैं जैसे बात कर रही हूँ आप भी मेरे साथ ऐसे ही बात कीजिए और जो मेरी समस्या है उसको सुनिए। तो उनने मेरी बात को ना सुनते हुए और ये कहने लगे, बोले साले भील लोग हूँ भोसड़ी के, बोले जब मतलब कुछ छोटी मोटी बात हुई तब बोले कि फ़ोन लगा के 100 नंबर पे और हमको परेशान करते हो बोले कि, और उनके हाथ में नीले कलर का मतलब पाइप था, वो गाड़ी में था, तो मतलब घूम के गए गाड़ी में से पाइप निकाला और ला कर मुझे यहाँ पर मार दिया। तो यहाँ पर मेरे को मारा, यहाँ पर मारा, उसके बाद मेरे को यहाँ पर एक मारा एक कमर में, फिर एक यहाँ नीचे साइड मारा, तो मतलब ये काफ़ी सूज गया था। 3 दिन तक मैं घर में बीमार पड़ी रही, जिस दिन मेरे को मारा था उस दिन तो मुझे होश भी नहीं था, मैं घर में आई तो चुपचाप गिर गई। मेरे को मारा ना जब उस टाइम में मेरा बच्चा भी साथ में ही था, तो इस तरह से मैं खड़े होकर उनको उनकी मेरी समस्या बता रही थी और उनने जिस टाइम मुझे मारा तब मेरा बच्चा इसके सिर पर भी लगा, तो ये डर के मारे दूर हट गया और दूर से देखने लगा मेरे को वो मार रहे थे। तो जब मेरे को मारा तो मैं अंदर गई ना, तो मैं ऐसे कैसे गिर गई, तो उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया और कुछ नहीं। रात को मेरे पति आए तो उनको मैंने ये समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, मतलब घर में थोड़ा सा विवाद हो गया था जिसको मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने मतलब पुलिस वालों को फ़ोन लगाया कि मेरी हेल्प करेंगे, मेरे घर की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। मैं उनको मतलब नहीं परेशान कर रही थी, सिर्फ मेरी इतनी सी मतलब रिक्वेस्ट अगर पूरी कर देते तो मैं मतलब उनको नहीं परेशान करी थी। घटना के वक्त आपके पति आपके घर पर मौजूद नहीं थे क्या? नहीं, मेरे पति मौजूद नहीं थे, वो मतलब मार्केट में गए हुए थे, घर पे नहीं थे। इसकी शिकायत करी क्या आपने अभी?
अभी 3 दिन हो गए थे, मैं 3 दिन से बीमार थी, मैं उठ नहीं पा रही थी, बहुत परेशान थी, मेरे से चलते भी नहीं बन रहा था और बैठते भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर जो मारा है उस पर ना पूरा काला काला बन गया है, ब्लड जो रुक गया है और काला धब्बा बन गया है, तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। 4 दिन बाद जब मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि आप, तो मैंने नहाया, कपड़े चेंज करे अच्छे से, और अब मैं मतलब मैंने सोचा कि नहीं, तुम कुछ भी अपन करते हैं, थोड़ी सी किसी से भी तो मदद मांगते हैं। मैंने सबको मतलब मैंने सबको फ़ोन लगाया, सबको मतलब जो फ़ोटो थी सारी व्हाट्सअप करी कि कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आगे आया, जबकि मेरी कॉलोनी में भी सब जनों ने देखा मेरे जब उसने मुझे मारा तो बहुत, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैंने मतलब पार्षद जी को भी लगाया कि मेरी हेल्प करो, मुझे ऑनलाइन मुझे मोदी जी से बात करनी है कि मेरे साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो शाम तक आए भी घर पर, मेरी समस्या को उन्होंने सुना भी, वो शाम तक घर भी आए, दूसरे दिन फिर उनका कॉल नहीं आया। इस बर्बरता को देखकर के आप आगे क्या कार्रवाई चाहती हैं? आगे मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि वो जो इंसान है वो वर्दी में उस वर्दी के लायक नहीं है, सरकार ने उसे वर्दी इसलिए दी है कि वो जनता की हिफाजत करे, लेकिन वो जनता की हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उस वर्दी का भी समझा नहीं है कि वो वर्दी उसको। आप शिकायत करी क्या? मैंने उनकी शिकायत करी है, मैंने मदद मांगी थी तो सुभाष भैया से मांगी थी, आज मैं गई थी उनके घर पर, मैंने भैया को सारी बात बताई, मेरी जो चोटें लगी थी वो सब बताई, तो भैया ने मेरी हेल्प करी कि आपको मैं इंसाफ दिलाऊंगा, तो नहीं मतलब आज उनकी मदद से ही मैं मतलब आगे कदम उठा सकी हूँ, नहीं तो हम लोग तो बहुत गरीब है कि हमारी कोई सुन भी नहीं सकता। पुलिस में शिकायत करी आपने? नहीं करी आपने पुलिस में? पुलिस में शिकायत करने के लिए हम गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि हमारी सुनता, तो हम फिर वापस आ गए। बीकनगांव थाने पर भील समाज की प्रदेश इकाई को यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा, क्या पूरा विषय रहा? पूरा विषय ये रहा कि 3-4 रोज पहले की बात है, हमें भी कल शाम को ही पता चला, हमारे भील समाज एक गरीब वर्ग के लोग हैं, और वो बहुत मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और घर में ऐसे विवाद थोड़े छोटे मोटे चलते हैं। उन्होंने 100 नंबर गाड़ी को बुलाया, और 100 नंबर गाड़ी को जो आयोजक हैं, जो सुरक्षा पुलिस सुरक्षा के लिए जिन्होंने 100 नंबर डायल करके बुलाया, और जो सुरक्षा की मांग रही थी वो उसी को उन्होंने पीटा पुलिस कर्मी ने। तो हम तो अभी हमने यहाँ पर थाने पे आकर ज्ञापन दिया है, और हमने पुलिस अधीक्षक जी के नाम से ज्ञापन दिया है, और लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा, हमारे भील समाज के अगर उनके कार्रवाई नहीं हो गई तो हम मानव अधिकार में भी जाएंगे, और साथ ही हम हमारी भील समाज के पूरे प्रदेश कमेटी के साथ में उग्र आंदोलन करेंगे। समाज का प्रदेश नेतृत्व यहाँ पर भीकनगांव थाने पर है, ये क्या पूरा विषय? आए दिन जो घटनाएं होती है तो हम देखते हैं कि झगड़े संपन्न लोग गरीब लोगों के साथ या आपसी उसमें झगड़े होते हैं, आज तो ये स्थिति हो गई कि पुलिस ही महिलाओं को पीट रही है, और उसमें भी हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो महिलाओं को मार रहे हैं। आज हमारी एक गरीब महिला के साथ जो शिक्षिका भी है उसको बहुत बेरहम तरीके से पीटा गया, और उसके डर के कारण 3 से 4 दिन तक वो किसी को बता भी नहीं पाई और अपने घर में कैद हुई। वो तो किसी के माध्यम से लोगों को पता चला और वो उन्होंने एसपी साहब को निवेदन किया। हमारे जो आरक्षक है राजेश भाई जायसवाल, इनका आतंक अभी लॉकडाउन है, इसके बाद भी हम देखें कि महिलाओं के साथ जो पाइप से जो मारपीट की गई है, मैं भील समाज सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इसकी घोर निंदा करता हूं, और साथ ही प्रशासन से यह मांग करता हूं कि राजेश भाई जायसवाल को तत्काल बर्खास्त कर अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उस पर मुकदमा चलाया जाए, और साथ ही हमारी बहन को जो कि एक गरीब महिला है उसको भी SC ST एक्ट के तहत राहत प्रदान की जाए। अगर लॉकडाउन तक का हमने
हमने आज थाने पे ज्ञापन दिया है पुलिस अधीक्षक के नाम। अगर लॉकडाउन तक राजेश जायसवाल पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद पूरा समाज चरणबद्ध तरीके से रोड पर उतरेगा और उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन करेंगे। जय हिंद जय भारत। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।